अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो पेरेंट? मैं हूँ ज़ुबैर शहदाज़ई, आप देख रहे हो टेक शहदाज़ई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह क्रिएट करते हो। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि अबाउट अस, कंटेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज किस तरह क्रिएट करते हैं। तो फिर मैंने आपको बता दिया था कि मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपके वेबसाइट के लिए प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी है। जब आप इसको ऐड नहीं करते हो तो आपको गूगल एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आप मेरे इस वेबसाइट पे नए हो तो मेरे वेबसाइट में ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट में मैं ऑलरेडी अच्छे अच्छे पोस्ट करता हूँ। जब आप इस वेबसाइट में विज़िट करते हो तो आपको इधर से बहुत से अच्छे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से इस वेबसाइट में विज़िट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैंने पेज बनाना आपको सिखा दिया था कि पेज किस तरह बनाते हैं, तो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि प्राइवेसी पॉलिसी आप किस तरह क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र में जाना है, आपको सर्च बॉक्स में लिखना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। जब आप प्राइवेसी पॉलिसी लिखते हो तो आपको ये सर्च करना है। जब आप सर्च करते हो तो आपको नीचे आना है, तो देखो इधर लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, ये एक वेबसाइट है, आपको इसमें क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करते हो तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से इसको क्लिक कर सकते हो, अपना प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, योर कंपनी नेम, आपको इधर सबसे पहले अपना कंपनी का नेम देना है। तो मैं अपना वेबसाइट का नाम लिखता हूँ इधर, तो मैंने अपना वेबसाइट का नाम इधर लिख लिया। तो फिर इधर नीचे बोल रहा है कि योर वेबसाइट नेम, अपना वेबसाइट का नेम इधर टाइप करो, तो मैं अपना वेबसाइट का नाम भी इधर टाइप करता हूँ, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, योर वेबसाइट URL, आपको अपना वेबसाइट का URL कॉपी करना है, इधर एंटर करना है। तो मैं अपना वेबसाइट का URL इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, मैं इधर से अपना वेबसाइट का नाम कॉपी करता हूँ, फिर इधर आके इधर आपको सिंपली सब पेस्ट करना है, ठीक है दोस्तों। फिर आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इधर से नेक्स्ट करना है। जब आप इधर से नेक्स्ट करते हो तो आपको ये इधर से नो करना है, जब आप इसको नो करते हो तो फिर आपको इधर से ये येस करना है, क्योंकि ये आपको पूछ रहा है कि आप अपने वेबसाइट में गूगल एडसन का हेड लगाना चाहते हो, गूगल एडसन का हेड लगाना है। तो फिर आपको ये नीचे इधर से बोल रहा है क्या आप अदर नेटवर्क का हेड लगाते हो कि नहीं, तो हम इधर से नो करते हैं। अगर आप लगाते हो जो media.net है या अदर नेटवर्क के, अगर आप ऐड लगाना चाहते हो तो आप यस करो, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आपको इधर से नो करना है। फिर आपको इधर से नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करना है, जब आप नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो फिर आपको अपना इधर कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जब आप अपना कंट्री सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको नीचे इधर से इधर में आपका सूबा खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा, फिर आपको इधर से अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। जब आप अपना ईमेल एड्रेस इधर डालते हो तो फिर आपको जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करते हो तो दोस्तों देखो, आपको प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करके इधर से दे दिया है। तो दोस्तों, ये है आपका प्राइवेसी पॉलिसी का ये पेज है, आपको ये इधर से कॉपी करना है या कि आप ये कोड को, HTML कोड को इधर से कॉपी कर सकते हो, अपने उस सिस्टम में लगाते हो आप। इसको अगर कॉपी करते हो, इसको कॉपी करो, मैं कहता हूँ सिंपली से इसको इधर से कॉपी करो। जब आप इसको इधर से कॉपी करते हो, इसको इधर से कॉपी करो,
जब आप इसको इधर से कॉपी करते हो, आपको अपने वेबसाइट में जाना है। जब आप अपने वेबसाइट में आते हो तो फिर आपको इस पेज के ऑप्शन में आना है। मैंने इधर पेज क्रिएट करके रखा है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप उस वीडियो को देखो, आपके समझ में आएगा। आपको इधर से न्यू पेज क्रिएट करना है। जब आप न्यू पेज क्रिएट करते हो तो आपको जो पेज आप बनाना चाहते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन, आप उसका नाम लिखो। मैंने इधर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाया है, तो आपको इस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप एडिट के ऑप्शन में क्लिक करते हो तो फिर आपको इधर से प्राइवेसी पॉलिसी का नाम देना है। तो जब आपने इस कोड को प्राइवेसी पॉलिसी का इस कोड को इधर से कॉपी किया है, फिर आपको इधर से पेस्ट करना है। दोस्तों जब आप इसको इधर से पेस्ट करते हो तो आपको ये थोड़ा आप इसको इधर से बोल्ड करो। जब आप इसको बोल्ड करते हो तो आप के दोस्तों को अच्छे से अच्छा नज़र आ जाएगा। तो फिर आपको इधर से इस तरह बोल्ड करना है इनको, ठीक है ना। जब आप इसको बोल्ड करते हो तो अच्छा ये दिखने लगता है। ठीक है दोस्तों, हमने इस तरह इसको इधर से बोल्ड किया है। जब आप इसको इधर से बोल्ड करते हो तो फिर आपको इधर से पब्लिश करना है, क्योंकि आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज तैयार हो गया। आपने इधर आके पेस्ट किया, फिर आपको इधर से पब्लिश करना है। जब आप इसको इधर से पब्लिश करते हो तो फिर आपको क्या करना है, इस व्यूज के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप व्यूज के ऑप्शन में क्लिक करते हो फिर आपको इधर से इसका लिंक कॉपी करना है। जब आप इसका लिंक कॉपी करते हो तो फिर आपको उस सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। जब आप सेटिंग के ऑप्शन में आते हो तो फिर आपको लेआउट में आना है। जब आप लेआउट में आते हो तो फिर आपको ये मेन्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, फिर आपको इधर से एडिट करना है। जब आप इसको एडिट करते हो तो इधर लिखा है प्राइवेसी पॉलिसी, आपको इस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। जब आप इस एडिट के ऑप्शन में क्लिक करते हो, वही लिंक आपने उधर से कॉपी किया, आप इसको इधर में पेस्ट करो। जब आप इसको पेस्ट करते हो फिर आपको इधर से सेव करना है, फिर आपको इधर से सेव करना है, फिर आपको इधर से सेव अरेंजमेंट करना है। जब आप इसको सेव अरेंजमेंट इधर से करते हो फिर आपको अपने ब्लॉग में जाना है। जब आप अपने ब्लॉग में आते हो, अपने ब्लॉग को इधर से रिफ्रेश करो। जब आप अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हो तो देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी है। जब कोई बंदा इधर से प्राइवेसी पॉलिसी को इधर से क्लिक करता है तो दोस्तों देखो आपका ये प्राइवेसी पॉलिसी इधर से इस तरह ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ईजी है, मैंने आपको ईजी मेथड बता दिया है कि आप अपने वेबसाइट के लिए किस तरह प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करते हो। तो आपको इस तरह प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास। मैं आपके लिए इस तरह अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।